लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई की एक कॉफी शॉप एक पुलिस ऑफिसर की फेवरेट जगह थी जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों से मिलने की। यह पुलिस ऑफिसर हमेशा टाइट शर्ट या टाइट टी शर्ट और जीन्स पहनता था और जिसके पास हमेशा एक .38 रिवॉल्वर और 9mm पिस्टल हुआ करती थी। बॉलीवुड में मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्में तो आप हमेशा से देखते हुए आए हैं और ज़्यादातर फिल्में जैसे शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, कंपनी, सत्या, उसमें काफ़ी हद तक मुंबई अंडरवर्ल्ड की असलियत दिखाई गई है। जी हाँ, जैसा कि आपने इन फिल्मों में देखा, मुंबई में अंडरवर्ल्ड वैसा ही हुआ करता था। सरेआम शूट आउट, सरेआम गोलियां चलती थी, सुपारी ली जाती थी, एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती थी, बिल्डर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को धमकाया जाता था। लोग मजबूर हो गए थे फिरौती की रकम देने के लिए, लोग मजबूर हो गए थे एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गवली जैसे लोगों को मना किया तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता था। ये गैंगस्टर्स किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं थे और वैसे भी अंडरवर्ल्ड का धंधा हमेशा डर पर ही चलता है, लेकिन जब लोगों समेत कुछ पुलिस वालों का भी कानून और सिस्टम से भरोसा उठ गया तो बढ़ते अपराधों और अंडरवर्ल्ड को मुंबई से ख़त्म करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने अंडरवर्ल्ड के लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अंडरवर्ल्ड के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर मारना शुरू किया, जिसे एक वक्त पर पब्लिक का समर्थन भी मिला था। और यहीं से शुरुआत होती है दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की। दया नायक, जिसने मुंबई की जड़ों में फैले डॉन दाऊद इब्राहिम को उखाड़ फेंकने का जैसे बीड़ा उठा लिया था। जी हाँ, ये वही दया नायक है जिसके खौफ से मुंबई का लगभग हर गैंगस्टर थर थर कांपने लगा था। ये वही दया नायक है जो मुंबई पुलिस में आने से पहले प्लम्बर और होटल में वेटर का भी काम कर चुके हैं। 90s के दशक की बात है जब मुंबई 93 के धमाकों से बुरी तरह झुलस चुकी थी। इन धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में जाकर छुप गया, लेकिन दाऊद और छोटा राजन के गैंगस्टर्स के अलावा अरुण गवली की दहशत मुंबई में अभी भी चालू थी। आए दिन मुंबई की गलियों से गोलीबारी की आवाज़ आनी आम बात हो गई थी। आर्थिक नगरी मुंबई में खून की होली खेली जा रही थी। इसी बीच मुंबई पुलिस में एंट्री हुई थी जांबाज पुलिस ऑफिसर दया नायक की। इस जोशीले नौजवान ने कुछ सीनियर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर अपराधियों को धूल चटाने की शुरुआत की और अंडरवर्ल्ड की जड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। 1995 में दया नायक ने मुंबई में सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया और मुंबई के जूहू पुलिस थाने में डिटेक्शन विंग में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। कुछ दिनों बाद ही नायक का सामना अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी छोटा राजन के कुछ गुर्गों से हो गया। उन्होंने दया नायक पर फायर कर दिया, लेकिन नायक ने उनमें से दो शूटर्स को काउंटर फायरिंग में ढेर कर दिया और पहली बार उन्होंने अपनी जाबाजी का परिचय दिया। इसके बाद उन्हें मुंबई के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल कर लिया गया और फिर यही दया नायक प्रदीप शर्मा के राइट हैंड बन गए। इसके बाद धीरे धीरे दया नायक मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए जैसे काल साबित होते गए और एक के बाद एक एनकाउंटर में दया नायक का नाम अखबारों में छपता चला गया। एनकाउंटर का आंकड़ा 85 पार कर दिया। ऐसे में हर ओर दया नायक की चर्चा आम होने लगी। हालात ऐसे बन गए कि आए दिन अंडरवर्ल्ड से जुड़े शूटर्स के एनकाउंटर में मारे जाने की खबरें अखबारों में छपा करती थी और एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में नाम छपा होता था दया नायक का। तभी तो दया नायक के नाम से दाऊद इब्राहिम को भी एक वक्त डर लगने लगा था। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में दया नायक की भूमिका काफ़ी अहम रही है। जब दया नायक पर हुआ आतंकी हमला, दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करने वाले सुपर कॉप पर एक बार आतंकवादियों ने भी हमला कर दिया था। एक बार की बात है जब मुंबई के दादर में उन्हें कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की टिप मिली। दया नायक तुरंत वहाँ जा पहुँचे। ऐसे में आतंकियों ने दया नायक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। काउंटर फायरिंग में दया नायक ने भी गोलियां चलाई, लेकिन तभी उन पर बम फेंके गए जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि किस्मत से उनकी जान बच गई, लेकिन लगातार 17 दिनों तक उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। दया नायक, जिन्होंने अपनी छवि एक जांबाज निडर पुलिस ऑफिसर के तौर पर बनाई, लेकिन फिर भी अपनी वर्दी पर दाग लगने से खुद को बचा नहीं पाए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 के आसपास से दया नायक की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। कारण था दया नायक के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट यानी आय से अधिक संपत्ति के इल्ज़ाम लगे। दया नायक ने अपनी होम टाउन में एक स्कूल खोला अपनी मदर के नाम पर। इस स्कूल की ओपनिंग में
बड़े से बड़े लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कुछ नाम मैं आपको बताऊं तो मशहूर पेंटर MF हुसैन, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी और उस वक्त के कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर H. विश्वनाथ। इसके बाद उन पर सवाल उठने लगे कि एक पुलिस ऑफिसर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। लेकिन कुछ वक्त बाद ये कॉन्ट्रोवर्सी शांत हो गई जब उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर MN सिंह ने दया नायक को बेस्ट ऑफिसर बताया। लेकिन साल 2004 में ये कॉन्ट्रोवर्सी एक बार फिर से खड़ी हो गई। मकोका कोर्ट मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट ने ACB यानी एंटी करप्शन ब्रांच को दया नायक की संपत्ति पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इसके बाद 6 जगह पर रेड मारी गई, जिसमें कि एक पेंट हाउस मलाड में एक फ्लैट जिसकी कीमत 21 लाख रुपये है वो दया नायक ने किसी को गिफ्ट किया, और भी कई प्रॉपर्टी पर दया नायक के मालिकाना हक होने के दावे किए गए। लेकिन ये सारे एलिगेशन, ये सारे इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो पाए और दया नायक को 2012 में रीइंस्टेट यानी वापस पुलिस फोर्स में ले लिया गया एज ACP वेस्ट कंट्रोल रूम। उसके अलावा दया नायक पर मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा शकील के लिए काम करने के भी आरोप लगते रहे हैं। एक वक्त ऐसा है जब मुंबई पुलिस की टीम में दया नायक को थोड़ा अलग थलग कर दिया गया। यहाँ तक कि हालात ऐसे बन गए कि एक बार प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच कड़वाहट होने की भी खबरें आईं। हालांकि दया नायक ने हमेशा से यही कहा कि वो प्रदीप शर्मा की काफ़ी इज्जत करते हैं। दया नायक को साल 2006 में जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कोई भी इल्ज़ाम दया नायक पर कानूनी रूप से प्रूव नहीं हो पाया और साल 2010 में उन पर से मकोका कानून भी हटा लिया गया और हर केस में दया नायक निर्दोष पाए गए। कैसी थी दया नायक की नौकरी से पहले की ज़िंदगी? दया नायक के बचपन की बात करें तो उनका बचपन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। उनके पिता अपने 3 बच्चों और पत्नी को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से उनकी मां ने किसी तरह से मजदूरी करके 3 बच्चों को पाला। कर्नाटक के उडुपी में जन्मे दया नायक जब 12 साल के हुए तो उन्होंने कर्नाटक छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया, और उस समय 7वीं क्लास में पढ़ने वाले दया नायक बिना किसी झिझक के मुंबई आ गए। ऐसा नहीं था कि मुंबई आकर उनकी ज़िंदगी अच्छी हो गई, लेकिन कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात। दया ने इस कहावत को पूरी तरह से सच कर दिखाया। माया नगरी मुंबई में कभी फुटपाथ तो कभी प्लेटफॉर्म को अपना आशियाना बनाकर उस वक्त गुजारा करने वाले दया नायक को इसी बीच रेलवे स्टेशन की कैंटीन में नौकरी मिल गई, और फिर कुछ दिनों बाद ही मुंबई में वर्सोवा के एक बड़े होटल में उन्होंने वेटर के तौर पर नौकरी करना शुरू किया। वेटर के काम से वक्त बचने पर वो प्लम्बर का काम भी करते थे। इन कामों से उन्हें महीने के 700 रुपये मिल जाया करते थे, जिनमें से 400 रुपये वो अपनी माँ को भेज देते थे और बाकी के बचे पैसों से वो अपना जीवन चलाते थे। ये तो सिर्फ पेट पालने की बात थी, दरअसल उनका सपना तो कुछ और था। अपने उसी सपने को साकार करने के लिए होटल के मालिक की मदद से दया नायक ने मुंबई के ही एक स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई चालू की। होटल में काम करने की वजह से दया नायक की पहचान मुंबई के बड़े बड़े पुलिस अफसरों से हो गई। इसके बाद उन्होंने SSC का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन दया नायक का सपना था खाकी वर्दी पहनने का। अपनी मेहनत के दम पर दया नायक ने 1995 की परीक्षा पास करके मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। बस ये शुरुआत थी दया नायक की एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने की, मुंबई ही नहीं बल्कि देश के सबसे फेमस पुलिस ऑफिसर्स में से एक बनने की। फिल्मी हस्तियों से दया नायक की अच्छी खासी पहचान थी। उनका मानना था कि अंडरवर्ल्ड से फिल्मी सितारों की अच्छी खासी दोस्ती है और अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन और टिप इन लोगों से मिल सकती है। उन्होंने फिल्मी सितारों को अपना दोस्त बनाया। दया नायक के जांबाजी और शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की कई फिल्में उनकी ज़िंदगी पर आधारित हैं। फिल्म अब तक 56 में नाना पाटेकर का किरदार भी दया नायक पर ही बेस्ड है। मुंबई से जब अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे ख़त्म हो गया, उसके बाद दया नायक ने भी थोड़ा लो प्रोफाइल रहना शुरू कर दिया, बट वो फिर भी जर्नलिस्ट और पत्रकारों से मिलते रहे। हालांकि पहले वो पत्रकारों से कॉफ़ी शॉप में मिला करते थे, लेकिन अब उनकी जगह बदल चुकी थी। अब दया नायक पत्रकारों से अंधेरी के एक जिम में मिलते थे। जिम दया नायक की फेवरेट प्लेस है बिकॉज ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक। दया नायक अ नेम दैट वॉज सिनोनिमस टू टेरर फॉर मोस्ट ऑफ द अंडरवर्ल्ड डॉन्स ऑफ मुंबई। दया नायक द एनकाउंटर कॉप स्टोरी एंड्स हियर। लॉट ऑफ रिसर्च एंड एफर्ट वर पुट इन टू क्रिएट दिस वीडियो। Please hit the like button and subscribe our channel Story Baba. Jai Hind.